उत्पत्ति अध्याय 38। उत्पत्ति अध्याय 38। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नाम एक अद्दुल्लामवासी पुरुष के पास डेरा किया। वहां यहूदा ने शुआ नाम एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उसको ब्याह कर उसके पास गया। वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और यहूदा ने उसका नाम एर रखा। और वह फिर गर्भवती हुई और उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम ओनान रखा गया। फिर उसके एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेला रखा गया। और जिस समय उसका जन्म हुआ उस समय यहूदा कजीब में रहता था। और यहूदा ने तामार नाम एक स्त्री से अपने जेठे पुत्र एर का विवाह कर दिया। परंतु यहूदा का वह जेठा पुत्र एर यहोवा के लेखे में दुष्ट था, इसलिए यहोवा ने उसको मार डाला। तब यहूदा ने ओनान से कहा, अपनी भौजाई के पास जा और उसके साथ देवर का धर्म पूरा करके अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न कर। ओनान तो जानता था कि संतान तो मेरी न ठहरेगी। सो ऐसा हुआ कि जब वह अपनी भौजाई के पास गया तब उसने भूमि पर वीर्य गिराकर नाश किया, जिससे ऐसा न हो कि उसके भाई के नाम से वंश चले। यह काम जो उसने किया उससे यहोवा अप्रसन्न हुआ और उसने उसको भी मार डाला। तब यहूदा ने इस डर के मारे कि कहीं ऐसा न हो कि अपने भाइयों की नाई शेला भी मरे, अपनी बहू तामार से कहा, जब तक मेरा पुत्र शेला सियाना न हो तब तक अपने पिता के घर में विधवा ही बैठी रह। सो तामार अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी। बहुत समय के बीतने पर यहूदा की पत्नी जो शुआ की बेटी थी सो मर गई। फिर यहूदा शोक के छूटकर अपने मित्र हीरा अदुल्लामवासी समेत अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने वालों के पास तिमनाथ को गया और तामार को यह समाचार मिला कि तेरा ससुर अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरने के लिए तिमनाथ को जा रहा है। तब उसने यह सोचकर कि शेला सियाना तो हो गया है पर मैं उसकी स्त्री नहीं होने पाई, अपना विधवापन का पहरावा उतारा और घूंघट डालकर अपने को ढांप लिया और एनेम नगर के फाटक के पास जो तिमनाथ के पास मार्ग में है जा बैठी। जब यहूदा ने उसको देखा उसने उसको वेश्या समझा, क्योंकि वह अपना मुंह ढांपे हुई थी। और वह मार्ग से उसकी ओर फिरा और उससे कहने लगा, मुझे अपने पास आने दे, क्योंकि उसे यह मालूम न था कि वह उसकी बहू है। और वह कहने लगी कि यदि मैं तुझे अपने पास आने दूं तो तू मुझे क्या देगा। उसने कहा, मैं अपनी बकरियों में से बकरी का एक बच्चा तेरे पास भेज दूंगा। तब उसने कहा, भला उसके भेजने तक क्या तू हमारे पास कुछ रेहन रख जाएगा। उसने पूछा, मैं तेरे पास क्या रेहन रख जाऊं। उसने कहा, अपनी मुहर और बाजूबंद और अपने हाथ की छड़ी। तब उसने उसको वे वस्तुएं दे दी और उसके पास गया और वह उससे गर्भवती हुई। तब वह उठकर चली गई और अपना घूंघट उतार के अपना विधवापन का पहरावा फिर पहन लिया। तब यहूदा ने बकरी का एक बच्चा अपने मित्र उस अदुल्लामवासी के हाथ भेज दिया कि वह रेहन रखी हुई वस्तुएं उस स्त्री के हाथ से छुड़ा ले आए, पर वह स्त्री उसको न मिली। तब उसने वहां के लोगों से पूछा कि वह देवदासी जो एनम के मार्ग में एक और बैठी थी कहां है। उन्होंने कहा, यहां तो कोई देवदासी न थी। सो उसने यहूदा के पास लौट के कहा, मुझे वह नहीं मिली। और उस स्थान के लोगों ने कहा कि यहां तो कोई देवदासी न थी। तब यहूदा ने कहा, अच्छा वह बंधक उसी के पास रहने दे, नहीं तो हम लोग
तुच्छ गिने जाएंगे। देख, मैंने बकरी का यह बच्चा भेज दिया, पर वह तुझे नहीं मिली। और 3 महीने के पीछे यहूदा को यह समाचार मिला कि तेरी बहू ने व्यभिचार किया है, वरन वह व्यभिचार से गर्भवती भी हो गई है। तब यहूदा ने कहा, उसको बाहर ले आओ कि वह जलाई जाए। जब उसे बाहर निकाल रहे थे, तब उसने अपने ससुर के पास यह कहला भेजा कि जिस पुरुष की ये वस्तुएं हैं, उसी से मैं गर्भवती हूं। फिर उसने यह भी कहलाया कि पहचान तो सही कि यह मुहर और बाजूबंद और छड़ी किसकी है। यहूदा ने उन्हें पहचान कर कहा, वह तो मुझसे कम दोषी है, क्योंकि मैंने उसे अपने पुत्र शेला को न ब्याह दिया और उसने उससे फिर कभी प्रसंग न किया। जब उसके बच्चे जन्मने का समय आया, तब यह जान पड़ा कि उसके गर्भ में जुड़वे बच्चे हैं। और जब वह जन्म देने लगी, तब एक बालक ने अपना हाथ बढ़ाया और धाय ने लाल सूत लेकर उसके हाथ में यह कहते हुए बांध दिया कि पहले यही उत्पन्न हुआ। जब उसने हाथ समेट लिया, तब उसका भाई उत्पन्न हो गया। तब उस धाय ने कहा, तू क्यों बरबस निकल आया है? इसलिए उसका नाम पेरेस रखा गया। पीछे उसका भाई, जिसके हाथ में लाल सूत बंधा हुआ था, उत्पन्न हुआ। उसका नाम जेरह रखा गया।